हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 13 दिसंबर और ये एक IPO जो आज स्टार्ट होने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे ऑल ई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और गार्गी फैशन ज्वेलरी के बारे में। ये दोनों IPO देखा जाए तो आज इसका आखिरी दिन है। इसके अंदर क्या सब्सक्रिप्शन आने वाला है और QIB इसके अंदर क्या करने वाले, ये सारी बातें सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अरहम टेक्नोलॉजीज़ IPO जो ऑलरेडी इसके अंदर इसका सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो जिन जिनको मिल गया है उनका पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका है। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस विषय वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में देखेंगे आज एक IPO के अंदर करीब करीब 120% का प्रीमियम ऑलरेडी चढ़ चुका है। आज इसका फर्स्ट डे है, आप समझ गए होंगे। फिलहाल देखना देखा जाए तो वीडियो पूरी लास्ट तक बने रहना, एक एक पॉइंट मिस मत करना और सारी चीज़ें देखना ताकि समझ में आए कि इस IPO के अंदर सब्सक्रिप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कितना चांसेस है इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं 13 दिसंबर के IPO का क्या प्रीमियम चल रहा है। बात करें अरहम टेक्नोलॉजीज़ के IPO के प्रीमियम के बारे में। सारी IPO जितने आज चल रहे हैं सबका प्रीमियम क्या गेन कर रहा है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे IPO के अंदर आज के डेट में क्या प्रीमियम गेन कर रहा है। देखा जाए तो अरहम टेक्नोलॉजी के अंदर 5 दिसंबर को आया था, 7 को क्लोज हो गया था। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपया रखी गई थी और साथ साथ में प्राइस देखा जाए तो प्राइस का 42 रुपीज़ रखा गया था। लॉट साइज देखा जाए तो एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स रखे गए थे और साथ साथ में इशू साइज देखा जाए तो 9 करोड़ 58 लाख का ये IPO था। HNIs का देखा जाए तो इसके अंदर 50% HNIs का रखा गया था, 50% रिटेल का रखा गया था। चलो देख लेते हैं इसका प्रीमियम वगैरह क्या चल रहा है। हम बात करें अरहम टेक्नोलॉजी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का 0 रखा गया था, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर का देखा 418 रखा गया था और रिटेल का देखा जाए तो करीब करीब 481 टाइम्स जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर का देखा जाए तो 418 टाइम्स आया है, दोनों का 50-50% कोटा रखा गया था और इसके अंदर देखा जाए तो करीब करीब 450 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ओवरऑल IPO के अंदर ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी ये कह सकते हैं इस IPO के अंदर कि 9 करोड़ 58 लाख के लिए करीब करीब देखा जाए तो 450 टाइम्स यानी 450 गुना कहो या 450 ओवर सब्सक्रिप्शन कहो या IPO के अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। चलो ये IPO का आज की डेट में क्या प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो और बेल आइकन की बटन भी दबा दो। और हम बात करें अरहम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, देखा जाए तो इसका प्रीमियम अभी भी देखा जाए तो 100% के ऊपर चल रहा है। और देखा जाए आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर के अंदर भी इसके अंदर प्रीमियम करीब करीब 100% चल रहा है। स्टार्ट में जब ये IPO आया था कुछ 9% 10% में चल रहा था, उसके बाद जो उसने रफ्तार पकड़ी और जिस तरह का इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया उसके बाद ये IPO डायरेक्ट डबल हो गया, 100% करीब करीब प्रीमियम चल रहा है। जैसे भी रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट IPO की बात करते हैं। PNGS गार्गी फैशन ज्वेलरी IPO देखा जाए तो ये 8 से स्टार्ट हो गया, आज 13 दिसंबर आज इसका आखिरी दिन है। देखने की बात है कि आखिरी दिन है इसका और फेस वैल्यू इसकी देखा जाए तो 10 रुपये रखी गई थी और लॉट से और प्राइस इसकी रखी गई थी करीब करीब 30 रुपये। एक लॉट के अंदर 4000 शेयर्स रखे गए थे। इशू साइज़ देखा जाए तो 8 करोड़ 80 लाख का इशू साइज़ है और BSE SEP लिस्ट होगा। HNIs का 50% कोटा रखा गया था और हम जैसे आप जैसा जो रिटेल थे उनका भी 50% कोटा रखा गया था। फिलहाल चलो देखते हैं ये IPO का आज के डेट में क्या प्रीमियम चल रहा है और क्या सब्सक्रिप्शन आया है टू डे में वो भी देख लेते हैं। हम बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में, देखा जाए तो इसके अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल का अभी तक इसके अंदर करीब करीब 12 टाइम्स आ चुका है, रिटेल का देखा जाए तो 64 टाइम्स आ चुका है, यानी ओवरऑल IPO देखा जाए तो 38 टाइम्स बढ़ चुका है। अगर फर्स्ट डे देखा जाए तो 3 टाइम्स आया था, सेकंड डे देखा जाए तो 12 टाइम्स आया था और थर्ड डे यानी कल के दिन देखा जाए तो इसके अंदर 38 टाइम्स आ चुका है अभी तक और आज इसका आखिरी दिन है। जैसे भी रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो इसका हम बात करें PNG गार्गी फैशन के बारे में, देखा जाए तो इसके अंदर प्रीमियम स्टार्ट में कुछ कम दिखाई देने को मिला, 26%। उसके बाद जो इसने रफ्तार पकड़ी है देखा जाए तो करीब 36% से लेकर 63% तक प्रीमियम चला गया, यानी ये कह सकते हैं इस IPO के अंदर अभी भी 50 से 70 के बीच में प्रीमियम चल रहा है। फिलहाल जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और देखा जाए तो करीब करीब इस IPO के अंदर आज आखिरी दिन है और प्रीमियम हो सकता है लास्ट दिन और ज़्यादा चढ़ जाए। जैसे भी रहा वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते नेक्स्ट IPO के अंदर क्या प्रीमियम चल रहा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑल ई टेक्नोलॉजीज़ IPO के बारे में। देखा जाए तो ये भी IPO करीब करीब 9 दिसंबर से आया था, 13 दिसंबर को क्लोज हो गया था। इसका फेस वैल्यू देखा जाए तो करीब करीब 10 रुपये रखा गया था। IPO प्राइस 87 से 90 रुपये बीच में रखी गई थी। एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स रखे गए थे और साथ साथ में इशू साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 48 करोड़ का ये IPO था, जिसके अंदर फ्री इशू 43 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल देखा जाए तो 4 करोड़ और 42 लाख का है। और देखा जाए तो लिस्टिंग की बात करते हैं तो NSE SEP पे लिस्ट होगा और कोटा QIB का 50% रखा गया है। स्पेशल इसलिए कि इसके अंदर QIB का कोटा रखा गया और आज आखिरी दिन है,
आज देखने वाली चीज़ है कि वाई बी इसके अंदर क्या करते हैं, दोपहर में 1-2 बजे के बाद आते हैं, उसके बाद धमाका मचा देते हैं। देखा जाए तो HNIs का इसके अंदर 40% रखा गया है, हम जैसे आप जैसे रिटेल का 35% रखा गया है। फिलहाल देखा जाए ये IPO के अंदर, क्योंकि IPO ज़बरदस्त होने वाला है, आज इसका आखिरी दिन है और 50% कोटा QIB को रखा गया। चलो इसका GMP वगैरह देख लेते हैं और सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब। बात करें ऑल ई टेक्नोलॉजीज IPO के बारे में, देखा जाए तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का अभी तक इसके अंदर 2 टाइम्स आ चुका है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के बारे में बात करते हैं तो 13 टाइम्स आ चुका है, और साथ साथ में रिटेल के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 36 टाइम्स इसके अंदर आ चुका है। ओवरऑल IPO देखा जाए तो 16 टाइम्स इसके अंदर भर चुका है, यानी 16 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है। अगर फर्स्ट डे सेकंड डे के बारे में बात करते हैं तो 3 टाइम्स आया, और देखा जाए तो सेकंड डे इसके अंदर 15 टाइम्स आया, और देखा जाता है ये IPO 9 को आया है तो 13 क्लोज हो जाएगा। आज इसका आखिरी दिन है, आखिरी दिन क्या होता है देख लेते हैं, क्योंकि क्वालिफाइड इसके अंदर आज अगर आते हैं दोपहर में 2 के बाद तो इस पर धमाका मच जाएगा। चलो इसका आज के डेट में क्या प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। करें ऑल ई टेक्नोलॉजीज के प्रीमियम के बारे में, देखा जाए तो अभी तक इसके अंदर करीब करीब 70-80% प्रीमियम पे गेन कर रहा है, और देखते हैं आज इसका आखिरी दिन है, जैसा भी रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। देखा जाए तो ये प्रीमियम अभी भी 70-80% प्रीमियम पे है। फिलहाल देखते हैं, जैसे भी रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देखते हैं इसके बाद का आखिरी IPO। हम बात करें डरोन आचार्य एयर इनोवेशन के IPO के बारे में, क्योंकि आज इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, 15 को क्लोज हो जाएगा, और सबकी नज़र इस IPO पे, क्योंकि आने से पहले ये इसका प्रीमियम डबल से ट्रिपल पे होने वाला है। फिलहाल देखते हैं, इसका फेस वैल्यू अभी 10 रुपया है और प्राइस इसकी रखी गई है 52 रुपीज़ से 54 रुपीज़ रखी गई है। अगर इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कम से कम 54 रुपीज़ प्राइस बैंड पे इस पर परचेस करें। देखा जाए तो लॉट साइज इसके अंदर 2000 शेयर्स का है, और इशू साइज देखा जाए तो करीब करीब 34 करोड़ का ये IPO है। और देखा जाए इसके अंदर एक चीज़ खास बात ये, BSE S&P लिस्ट होगा, और QIB का कोटा भी इसके अंदर 50% रखा गया, खास इसके लिए कि QIB का कोटा भी रखा गया है 50%, और HNIs का कोटा देखा जाए तो 35% है, रिटेल का कोटा देखा जाए तो करीब करीब 35% है, HNIs का कोटा इसमें 15% है। फिलहाल देखते हैं ये IPO बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आने से पहले ये डबल प्रीमियम पे गेन कर रहा है और QIB का भी कोटा रखा गया, हो सकता है फ्यूचर के अंदर हमको ये मेन बोर्ड में दिखे। चलो देखते हैं इसका प्रीमियम वगैरह क्या चल रहा है वो भी। बात करें ड्रोन आचार्य IPO के बारे में, अगर टेंटेटिव टाइम टेबल देखा जाए तो आज इसका फर्स्ट डे है, इससे ऑफिस की ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी, 15 को क्लोज हो जाएगा, बेसिक अलॉटमेंट हमको 20 को देखने को मिलेगा, रिफंड 21 को है, और 22 तारीख को हमारे अकाउंट में आ जाएगा, लिस्टिंग 23 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और हम बात करते हैं लॉट साइज़ की, तो मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट ले सकते हैं, 1,08,000 का ये पूरा टोटल अमाउंट बन रहा है, और HNIs का देखा जाए तो 2 लॉट हो रहा है जिसके अंदर 4,000 शेयर्स हो रहे हैं और 2,16,000 बन रहे हैं। अगर हम बात करें होल्डिंग के बारे में तो 50% इसके अंदर होल्डिंग जो रखी गई है अभी फिलहाल इसके अंदर प्रमोटर्स की है, और 28% हो जाएगी। चलो इसका प्रीमियम देख लेते हैं, प्रीमियम में क्या गेन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रीमियम के बारे में, ड्रोन आचार्य प्रीमियम के बारे में, देखा जाए तो स्टार्ट से ही IPO जब से आया धमाका मचा दिया, क्यों आते साथ ये करीब करीब 50-60% प्रीमियम पे चल रहा था, उसके बाद 6 तारीख को डायरेक्ट देखने को मिला 102% प्रीमियम पहुंच गया। उसके बाद देखा जाए तो ये IPO के अंदर जो धमाका मचा है अभी तक कंटिन्यू है, देखा जाए तो 100% से ऊपर चल रहा है, करीब करीब 120 इसने हाई बनाया था, अभी फिलहाल देखा जाए तो 112 पे चल रहा है। लेकिन ये आज इसका फर्स्ट डे है, जिस तरह का सब्सक्रिप्शन अगर हमको देखने को मिला फर्स्ट डे तो हो सकता है इसके अंदर और भी ज़्यादा हमको प्रीमियम देखने को मिले, अभी डबल फिलहाल चल रहा है, हो सकता है 150-200% प्रीमियम पे चले जाए, जैसे भी रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपने ओन रिस्क और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें कि इसके अंदर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसे भी रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो, ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।